मध्य प्रदेश में अब हर आंगनवाड़ी बिजली से रोशन होगी। तीन चरणों में प्रदेश की सभी आंगनवाड़ियों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने 69.7 करोड़ की राशि की स्वीकृति की है। दरअसल राज्य सरकार में आने वाले 2 साल में सरकारी भवन के संचालित 31,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को रोशन करेगी। इसके लिए बिजली कनेक्शन लेने के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सरकार से 4 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में पास हो गया है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट में आज जो आंगनवाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था, अभी तक आंगनवाड़ी के जो भवन बने हुए थे 31,400 आंगनवाड़ी केंद्रों में विद्युत के लिए कोई राशि आवंटित नहीं होती थी, आज तीन चरणों में मध्य प्रदेश की सभी आंगनवाड़ियों में, प्रथम चरण में 14,214, द्वितीय चरण में 10,907 और तृतीय चरण में 6,304 आंगनवाड़ी भवनों के शिलान्यास विद्युत व्यवस्था के लिए आज राशि का आवंटन 79.7 करोड़ रुपए के बजट के आवेदन को सहमति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। मध्य प्रदेश